दोस्तों आप 24 घंटे एक ही रंग का खाना खाएंगे। चलो शुरू हो जाओ, तुम्हें कैंडी मिली है जो तुम्हारे रंग को सूट करती है। वाओ, यह विशाल स्निकर्स अभी मेरे मुंह में आने वाला है। रुको, ये बहुत बड़ा है, शायद इसे यहाँ से काटा जाना चाहिए। अब मैं इसे टेप से मापता हूँ। यह बहुत बड़ा है, क्या मेरे मुंह का साइज कैसा रहेगा? नहीं, यह फिट नहीं होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, मैं एक सामुराई में बदल सकता हूँ। मेरे पास केवल एक ही टास्क है, स्नीकर्स को काटना, और मैं यहाँ करूँगा। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा था, और अब मैं आसानी से सभी स्नीकर्स खा सकता हूँ। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है, और यह वाला, और यह, और यह भी। चलो मेरा हो गया। नैन्सी, तुम खाना शुरू करो। हाँ, यह आसान है, मेरे पास ताकिस ब्लू चिप्स हैं। मैं स्वादिष्ट खाना खाने जा रही हूँ। ओह, यह तो बहुत तीखे है, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। ओह, ये तीखे हैं, लेकिन मैं उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती, इसका स्वाद अद्भुत है। ओह, तीखा, बहुत ही तीखा। दोस्तों मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको नहीं रोक सकती। ओह नहीं, नैन्सी से रोको। ओह, ये जले हुए बालों की तरह महक क्यों आ रही है? ओह नहीं, मैं जल रहा हूँ। मैं तुम्हें बचा लूंगी, एक मिनट रुको। ओह, मैंने इसे बुझा दिया। ओह नहीं, नैन्सी अभी भी जल रही है। मुझे पता है क्या करना है, मेरी कुर्सी के नीचे एक बाल्टी पानी है, यहाँ बहुत पानी है, इससे मदद मिलनी चाहिए। नैन्सी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आखिरकार, अब अच्छा है, वो भयानक था। अब मैं समझ गई कि ताकिस बहुत तीखा होता है, लेकिन अब मैं पूरी भीग गई हूँ, हमें इससे छुटकारा पानी चाहिए था। बस हो गया, मैं सूख गई। जिल, तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरा गुलाबी गम बचा है। अरे वाह, कितना बड़ा हबा बबा है, पहली बार मैंने इतना बड़ा देखा है, मुझे जल्दी सब खाना है। ओह, वो बहुत दूर चला गया, खैर कोई बात नहीं, हमें इसे जल्दी खाना चाहिए। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है, मैं सब खाऊंगी। वाह जील, तुमने उतना कैसे खाया? मुझे गम बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसका पहाड़ भी खा सकती हूँ। क्या तुम लोग अपने जीवन का सबसे बड़ा बबल देखने के लिए तैयार हो? अब मैं इसे फुलाऊंगी। ओ नहीं जील, रुको, ये बहुत ज्यादा है। ओ ओ नहीं, ओ दोस्तों मुझे माफ करना, हमें ये साफ करना होगा। अरे मेरी नाक को क्या हुआ? हाँ? क्या यह गुलाबी हो गया? दोस्तों तुम्हारा नाक भी काला और नीला है, यह एक ही रंग खाने का एक साइड इफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप नए ट्रीट के लिए तैयार हैं? और यहाँ आपके सामने है, मार्टिन को एक काला बर्गर मिला, नैन्सी के पास एक विशाल नीली आइसक्रीम है, लेकिन जिल के पास एक बड़ा गुलाबी डोनट है। सब कुछ स्वादिष्ट लग रहा है, चलो इसे ट्राई करो। कौन शुरू करेगा? जिल। अब मैं इसे जल्दी से खाऊंगी, पहले मैं इसे टुकड़ों में काट देती हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगी। एक टुकड़ा काटा। दोस्तों मेरा विश्वास करो, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे बहुत खुशी की यह सब अकेले मेरे लिए है। वाह, खैर मेरा हो गया। दोस्तों मैंने अपना डोनट समाप्त कर लिया है, तुम अपना खाना शुरू कर सकते हो। नैन्सी, क्या मैं? धन्यवाद, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं विशाल काय को खाऊंगा, मैं कुछ ही समय में उससे निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं दस्ताने पहनूंगा, मैं गंदा होना नहीं चाहता, पर यह काम नहीं कर रहा है, दस्ताने खराब है या कुछ और। चलो अब मैं इसे पहनता हूँ। मैं इसे कैसे काटूं? शायद या कॉफी कप, या मग मुझे इस विशाल बर्गर से छोटा सा टुकड़ा काटने में मदद करेगा। वाह, और मिनी बर्गर तैयार है, चलो अभी से खाता हूँ। इस तरह से यह खाने के लिए भी अधिक सुविधाजनक है, स्वादिष्ट। मैं खुद के लिए बहुत सारे छोटे बर्गर बनाने जा रहा हूँ। हाँ बहुत स्वादिष्ट, मैं सारे खा जाऊंगा। ओह हो गया, अरे चेहरे पर कुछ छोटे टुकड़े बचे हुए हैं, स्वादिष्ट, मेरा पेट भर गया है। नैन्सी, तुम अपने आइसक्रीम के साथ इस राउंड को खत्म कर सकती हो। शायद सबसे अच्छी बात यह होगी कि इसे चम्मच से खाएं, पर चम्मच इस विशाल आइसक्रीम की तुलना में लिलीपुटियन की तरह है। चलो कुछ और ढूंढते हैं। हाँ ये एकदम सही है। ओ, 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 मेरा सब कुछ नियंत्रण में है। ओ नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, ऐसा कैसे, मैंने फर्श पर पूरी आइसक्रीम गिरा दिया।
खैर कोई बात नहीं, अभी भी कुछ खा सकते हैं। स्वादिष्ट। मार्टिन, तुम्हारे कान काले हैं और तुम्हारा नीला हो गया। जिल, तुम्हारे कान गुलाबी है। ओ नहीं। लड़कियों, क्या एक ट्रिक देखना चाहती हो? एक उंगली है, कोई उंगली नहीं है। कैसा लगा? और अब, अरे नहीं, उंगली कहाँ है? वापस आओ। अरे वाह, हमें उसी रंग का एक नया खाना दिया गया है। मुझे सॉस के साथ आई रोल मिला है और मेरे पास एक बड़ा काला कपकेक है और मेरे पास एक विशाल गुलाबी मैकरून है। कितना अच्छा, मुझे ये पसंद है। अरे ये भारी है, मैं इसे उठा लूंगी। अरे ओह, मैं गिर रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत भारी है। धन्यवाद। चलो अब मैं इसे खाऊंगी। किधर से खाना अच्छा रहेगा? हाँ बस एक मिनट, अब जिल एक कराटे गर्ल बन गई है, एक जादुई परिवर्तन। अब मैं एक मार्शल आर्ट दिखाने जा रही हूँ। इस मैकरून के अब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हैया, तैयार। धन्यवाद दोस्तों, और अब इस महान गुलाबी मैकरून का स्वाद ले सकते हैं। ओह बहुत स्वादिष्ट। अद्भुत स्वाद है इसका। वाह जिल, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मीठा इतना पसंद है। मुझे किसी तरह अपने में ये सारी शक्ति बनाए रखने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें अपना सिग्नेचर पंच दिखाऊंगी और मैकरून चार भागों में हो गया। इस तरह से यह और भी सुविधाजनक है। मुझे यह सब खाना है, मैं रुक नहीं सकती। वाह चलो, मेरा हो गया। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं वापस जिल बन जाती हूँ। मार्टिन, तुम अपना कपकेक खा सकते हो। बढ़िया, शुरुआत करते हैं क्रीम से। स्वादिष्ट। कैसा है? स्वादिष्ट है, लड़कियाँ कुछ सोच रही है। और तीन के बाद क्या होगा? ओ मार्टिन, तुम मुसीबत में हो। क्या तुमने अपना चेहरा काला कर लिया है या ये क्रीम है? यह बिल्कुल फनी नहीं है, मैं पूरा गंदा हो गया हूँ और कपकेक बर्बाद हो गया। हालांकि यह क्रीम अभी भी बहुत स्वादिष्ट है, मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। और मैं इस बीच चॉपस्टिक से निपटूंगी। ओह ये कितना मुश्किल है, शायद ऐसे नहीं। चलो फिर से कोशिश करो। यह ठीक है? नहीं, फिर कैसे? यह खैर छोड़ो, मैं अपने तरीके से कोशिश करूंगी। ओह नहीं, फिर से गिर गया। मैं इसे बिना चॉपस्टिक के कर सकती हूँ। सबसे अच्छा हमेशा अपने हाथों से खाना है। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, हाथों से खाने से ये और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। मार्टिन, तुम्हारे यहाँ क्रीम लगा हुआ है। ओह बढ़िया। तुम्हें मेरी नई आंख कैसी लगी? नीला रंग अच्छा है। मैं और खाऊंगी। बस अब ये अंतिम वाला बचा हुआ है। मैं गमी खाऊंगी अलग से और आंख अलग से। वाह मेरा शरीर ये नीला हो गया है। मार्टिन तुम्हारा काला और जिल का गुलाबी। पता नहीं हमारे लिए और क्या तैयार किया गया है। वाह आप लोग लगभग पूरी तरह से रंगीन हो गए हैं। जिल के पास गुलाबी पिज्जा है, मार्टिन को काले नूडल्स मिले हैं और नैंसी के पास ब्लू प्यारे पैनकेक्स हैं। चलो जल्दी ट्राई करो। इसकी स्वादिष्ट खुशबू है। मैं ऊपर के ब्लूबेरी के साथ ट्राई करना चाहती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। वाह अद्भुत, क्या तुम्हें ब्लूबेरी चाहिए? चलो जिल, क्या तुमने इसे पकड़ा? स्मार्ट लड़की। मार्टिन इसे पकड़ो। उफ, लेकिन मार्टिन इसे पकड़ नहीं पाया और अब मैं इसे पकड़ रही हूँ। स्वादिष्ट, खेल खत्म हो गया। मैं जल्दी पैनकेक को खाना चाहती हूँ। एक और एक, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें मेरा पैनकेक इमोजी कैसा लगा? बढ़िया, एक आखिरी बचा है। चलो यह वाला। ओ मार्टिन ने उसे पकड़ा। अब मैं एक फनी फेस बनाने जा रहा हूँ, तुम्हें यह कैसा लगा? पैनकेक्स फेंकने की जरूरत नहीं है। सॉरी मार्टिन, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तुम किस पर हंस रही हो? मैं अपने काले नूडल्स खाना शुरू कर सकता हूँ। चलो इसे अभी खाता हूँ। स्वादिष्ट, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं एक ही बार में सब कुछ खाने के लिए तैयार हूँ। यह बेहतर है, मैं सब खाऊंगा। यह स्वादिष्ट है, मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट नूडल्स। वाओ मार्टिन ने सब इतनी जल्दी खा लिया। हाँ ये एकदम आसान था। खैर मैंने सब समाप्त कर दिया है, इसलिए जिल जारी रख सकती है। चलो तो मुझे कुछ दिलचस्प करने की जरूरत है। मेरे पास एक गुलाबी पिज्जा है, एक आइडिया। मैं एक गोल चाकू से स्पाइरल में यह पिज्जा काट दूंगी। यह सही है, अभी तक किसी ने ऐसे पिज्जा नहीं खाया होगा। मेरे पास अपना खास तरीका होगा। चलो अब खाती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट मीठा पिज्जा है। दोस्तों यह पता चला है कि मार्शमेलो पिज्जा पेपरोनी से भी बेहतर है। वाह मेरे हाथ भी गुलाबी हो गए हैं, देखो।
वाओ कितना सुंदर। मार्टिन हमारे भी। दोस्तों हम बहुत रंगीन हैं। दोस्तों एक नया स्वादिष्ट खाना आपका इंतजार कर रहा है। वाओ क्या ट्रीट्स है। जिल के पास स्ट्रॉबेरी पोकी स्टिक्स का बड़ा पैक है, मार्टिन के पास कोका कोला की बोतल और नैन्सी को गमी मैन मिले हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले कौन होगा? नैन्सी चलो। गमी, मैंने इन्हें अभी तक नहीं खाया है, मैं सभी ट्राई करूंगी। वाह ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत खट्टा, मैं और खाऊंगी। फिर क्या होगा? और यह आखिरी आदमी, चलो इसे खाती हूँ एक एक करके। ओह यह खटास बहुत तेज है। कूल जिल, तुम शुरू कर सकती हो। बढ़िया, अब चलो मेरी प्यारी पोकी स्टिक के स्वाद को चखें। वाह ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, मेरा फेवरेट। स्वादिष्ट। उन्हें खाना बंद करना मुश्किल है, इसमें कुछ और स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ने लायक है। स्ट्रॉबेरी कभी भी ज्यादा नहीं होते हैं। वाह बहुत स्वादिष्ट। चलो मेरा हो गया। मार्टिन अब केवल तुम ही बचे हो। हुर्रे, मैं कोला की इस विशाल बोतल को पीने जा रहा हूँ। ओह हमने नोटिस भी नहीं किया, ये लिक्विड कैंडी है। कितना अच्छा, मुझे जल्दी ये सब कुछ खाना है। कितना मीठा, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। जील क्या हम मार्टिन को प्रैंक करें? बढ़िया, बोतल को बहुत जोर से दबाओ। मार्टिन कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? लड़कियों ये काफी है। ओह मेरा पेट भर गया है। ओह यह मुश्किल था। जिल तुम पूरी गुलाबी हो और मैं पूरा काला हूँ। वाह नैन्सी तुम नीली हो गई हो। वाह अरे नैन्सी कहाँ गई? जिल सभी कहाँ गायब हो गए हैं? ओ नहीं। हाय नैन्सी, और यहाँ जिल है, और मार्टिन भी छूटेगा नहीं। तुम अब वापस अपने रूप में कैसे लौटोगे? मेरे पास एक आइडिया है, मेरी मेडिसिन बॉक्स में रंग के खिलाफ सही दवा है। चलो उसे खाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ महसूस हो रहा है? हाँ वाओ हम सामान्य हो गए हैं। हुर्रे बधाई हो। हम कहाँ हैं? ऐसा लगता है एक बहुत अच्छी चुनौती हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है मैं सबसे पहले ढक्कन खोलूंगी। यह क्या है? मैंने सोचा कि यहाँ रंगीन कैंडीज होंगी। मुझे हॉट सॉस नहीं चाहिए। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे मकई बहुत पसंद है। लेकिन मैं वैसे भी सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूँ। देखो मुझे एक हरा फैंटा मिला है, यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि बहुत यूनिक भी है। और यह बोतल से बाहर नहीं निकलता है, क्या यह कोई प्रैंक है? अब मैं बहुत चिपचिपा हूँ लेकिन स्वादिष्ट। इतने स्वादिष्ट ट्रीट के लिए मैं धैर्य रख सकता हूँ। हम भी इसे आजमाना चाहते हैं। अपने हाथ हटाओ, तुम्हारे पास खुद के ट्रीट्स हैं और फैंटा मेरा है। हाँ मैंने नहीं सोचा था कि मुझे नारंगी वाले से ज्यादा हरा फैंटा चाहिए होगा। लिली अब हॉट सॉस के साथ चिकन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं हॉट सॉस के साथ स्वादिष्ट चिकन को खराब नहीं करना चाहती, मैं थोड़ा चीट करूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तुम्हें सॉस डालने की जरूरत है। और तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देखो सॉस की वजह से नगेट्स लाल हो गए हैं। मुझे डर है कि आग जल्द ही मेरा इंतजार कर रही है। मुझे लगता है आग मुझ में फैल रही है। इसके बारे में कुछ करना होगा। और मुझे पता है यह क्या है, वाटर गन का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। धन्यवाद, इस तरह यह वाकई बेहतर है। लेकिन अब मेरा चिकन जल गया है, मैं निश्चित रूप से कोयला नहीं खाने वाली हूँ। केसी अब तुम्हारी बारी है। वाह क्या सरप्राइज है, साधारण मकई स्वादिष्ट पॉपकॉर्न में बदल गया। दोस्तों उसे अपनी उंगली से छूने की कोशिश भी मत करो, मैं इस पूरे ढेर को अपने आप संभाल सकती हूँ। स्वादिष्ट पॉपकॉर्न, केसी तुमने देखा, तुम्हारे कान पीले हो गए हैं। क्या कान? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? वाह हाँ वे रंगीन हो गए हैं। ओह कितना भयानक, हमारे साथ क्या हो रहा है? लिली खोलो, इस बार कौन सी लाल स्वादिष्ट चीज तुम्हारा इंतजार कर रही है? यह स्वादिष्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डरावना केकड़ा है। आह वो जिंदा भी है। एलेक्स अब ढक्कन खोलने की तुम्हारी बारी है। वाह और मुझे न केवल एक स्वादिष्ट बल्कि एक खिलौना भी मिला है,
अब मैं एक असली शूरवीर हूँ। शूरवीर, खिलौने को उसकी जगह पर वापस रखो बेवकूफ। देखो मेरे पास फ्रेंच फ्राइज का एक पूरा पैक है। इसकी सुगंध कितनी अच्छी है, मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। मैं सहमत हूँ। एलेक्स हटो, ये मेरे फ्राइज हैं। मैंने तुम्हें उसे छूने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे मेरा टुकड़ा यहाँ दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आलू मस्त है। ये मेरे दांत जैसे दिखते हैं, है ना? लिली तुम्हारी बारी है। मेरी? शायद मुझे जरूरत नहीं है, मैं इतने बड़े केकड़े कैसे खा सकती हूँ? नहीं नहीं, वह तो तुम हमें बताओगी। क्या तुम्हें लगता है मजाक क्या है? हाँ मेरे केकड़े, अब तुम। अरे तलवार मुझे वापस दे दो। ओ नहीं, अब मेरे पास तलवार नहीं है। यह सब लिली और उसके बेवकूफ केकड़े की वजह से है, हालांकि इसके अपने फायदे हैं। अब मेरे पास बहुत सारे कैंडी हैं। वाह, लाजवाब। और मुझे तलवार की जरूरत नहीं है। लिली तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी खाओ। मुझे डर लग रहा है। ठीक है, एक आइडिया है। अगर मैं इसे पका सकती हूँ तो मैं एक जिंदा केकड़ा क्यों खाऊंगी? मुझे लगता है कि कुछ स्वादिष्ट निकल सकता है। आह, और बहुत गर्म। मुझे ऐसा लगता है कि इस तापमान पर केकड़ा तुरंत तैयार हो जाएगा। यह खाने का समय है। यह पता चला है कि पका केकड़ा सही में बहुत स्वादिष्ट होता है, जिंदा वाले की तरह नहीं। तुमने केकड़े में इतनी जोर से काटा कि तुम्हारी नाक लाल हो गई है, सच में? लेकिन तुम्हारी नाक भी रंगीन है। क्या? वाह, कितना अच्छा और अलग सा, मुझे पसंद आया। यह पता लगाने का समय है कि इस दौर में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। आखिरकार कुछ स्वादिष्ट, मुझे हबा बबा पसंद है, विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी स्वाद वाला। और मुझे तरबूज बहुत पसंद है, खासकर इस गर्मी में। यह क्या है? कितना डरावना। तुम्हें अच्छी चीजें क्यों मिली और मुझे ये भयानक कीड़े मिले हैं? ये अब तुम्हारे नए दोस्त हैं। तुम्हें एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है। आह, बस बहुत हुआ, ये मजाक नहीं है। जब तुम इन्हें खाना शुरू करोगी तो यह मजेदार होगा। मुझे पहले कभी कीड़ों से नहीं जूझना पड़ा, मुझे आशा है मेरे अंदर अंडे नहीं देंगे। छी, क्या झंझट है, यह घिनौना है, यह मुझसे नहीं होगा, यह हमारी चुनौती में नहीं हो सकता। प्लेट लो और कीड़े खत्म करो। ठीक है, चलते हैं। कितना भयानक है। छी, अरे नहीं, एक मेरे गले में फंस गया। आह, इसका मुझसे क्या लेना देना है, कितना भयानक। इस गंदगी को मुझसे दूर करो। केसी, तुम्हें पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, बड़बड़ाना बंद करो। बेहतर होगा कि तुम जल्दी अपना तरबूज खा लो। यह पहली बार है जब मैंने तुमसे सही शब्द सुने हैं। मुझे तरबूज को किसके साथ काटना चाहिए? बिल्कुल, तो मिस्टर कुल्हारी मेरी मदद करेंगे। हो गया, अब मैं खाना शुरू कर सकता हूँ। यह कितना सुगंधित है, शायद बहुत रसदार। एलेक्स रुको, तरबूज के अंदर लाल होता है और सारा लाल मेरा है। मुझे इसे स्वीकार करने में दुख हो रहा है, लेकिन फिर मुझे सबसे स्वादिष्ट खाना पड़ेगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। कम से कम मुझे एक बाइट तो दो, आखिर यह मेरा तरबूज है। था, तुम सही थे, ये तरबूज बहुत रसदार और बहुत मीठा है। ऐसे स्वादिष्ट देखने को मिलते हैं, इसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। लेकिन एलेक्स, तुम्हारी दोस्त के रूप में मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि मैंने छिलका विशेष रूप से तुम्हारे लिए छोड़ा है और कुछ बीज भी। बस इतना ही? क्या तुम्हें लगता है ये मजाक क्या है? मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा हूँ। मुझे तरबूज का छिलका खाना पड़ेगा। मेरे खुशी लूटने के लिए धन्यवाद लिली। बहुत खराब, जल्दी अपना हबा बबा खाओ। ओह हाँ, मेरी बारी आ गई है। आमतौर पर यह गम बहुत ही मीठा और रसदार होता है। मुझे आशा है कि आज कुछ भी नहीं बदला है। तो क्या यह स्वादिष्ट है? बहुत, लेकिन बस इतना ही नहीं, अब मैं तुम्हें बबल फुलाने का एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी।
लिली को आश्चर्य होगा जब उसे पता चलेगा कि मैंने तरबूज की एक बीज बचाई है। अब मैं अपना तरबूज चुराने के लिए उसका बबल फोड़ने जा रहा हूँ। सुनो लिली, लाल तुम्हें सूट करता है। कितना भयानक, ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। अरे यह क्या, वाह देखो अब हमारे पास रंगीन हाथ है। बहुत अच्छा, कितना सुंदर है। रुको, पहले मैं जाऊंगी। वाह गमी बेयर, हेलो मेरे नए दोस्त। ओह मेरा दोस्त जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकला, लेकिन मैं तुम्हें वैसे भी खाऊंगी। ऐसा लगता है किसी के पास काफी ताकत नहीं है। मैं साबित करूंगी कि मैं कर सकती हूँ। चलो चलो। मैंने यह कर लिया। तो यह अपने आप को गमी से तरोताजा करने का समय है। मुझे एक और टुकड़ा तोड़ने में तुम्हारी मदद करने दो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैंने खुद को पूरी तरह से एडजस्ट कर लिया है। मैंने कितनी जल्दी बेयर को खा लिया। अब ढक्कन खोलने की बारी तुम्हारी है। बिल्कुल सही, मेरी बारी है। ओह मैं कैंडीज का इंतजार कर रही थी, अंडे का नहीं। और मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है मुझे उनसे एलर्जी है, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें नहीं खाऊंगी। अच्छा झूठ मत बोलो, इसे तेजी से खाओ, हम तुम्हें जल्दी अकेला छोड़ देंगे। यह सही है, दोस्तों मुझे शुभकामनाएं दो। इतनी घिनौनी चीज देखकर भी खराब लगता है। छी नहीं, ये मेरी ताकत से परे है, मैं नहीं कर सकती। तुम्हें इसे खाना या पीना है? बिल्कुल, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अंडे क्यों खाएं अगर तुम उन्हें पी सकती हो? इसके लिए मेरे पास एक ब्लेंडर भी है। ध्यान से। जब शेफ एलेक्स काम पर होता है तो वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो ऐसी बात है शेफ एलेक्स, देखो मेरे सिर पर कितना कचरा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत प्यारा है। अच्छा चलो एक कॉकटेल बनाते हैं। केसी सब कुछ तुम्हारे लिए है, अब केवल कॉकटेल को सजाना बाकी है। केसी अपनी ड्रिंक का मजा लो। धन्यवाद, लेकिन स्ट्रॉ केवल चीजों को और खराब कर देगी, मैं इसे इस तरह पीना पसंद करूंगी। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। यह तुमने क्या किया? अब मैं अंडों में ढका हुआ हूँ। छी। उप्स, एलेक्स, तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। वैसे तुम्हारे ढक्कन के नीचे क्या है? हम अभी पता लगाएंगे। काश मुझे ये नहीं पता होता। मटर यहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मुझे नहीं पता ऐसे कैन को खोलते कैसे हैं। बिल्कुल यह कितना बुरा है, अब मैं मटर नहीं खा सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम कितनी मजबूत हो, मुझे आशा है कि मटर मुझे बीमार नहीं करेगा। और ये बहुत स्वादिष्ट है, मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे मटर पसंद आएंगे। मेरे अंदर कुछ हो रहा है। उप्स लड़कियों मुझे माफ करना। माफ करना? ओह यहाँ सांस लेना असंभव है। छी कम से कम तुम्हें हमें चेतावनी देनी चाहिए थी। वाह दोस्तों मैं पूरी लाल हो गई हूँ। और मैं हरा हो गया हूँ। और मैं पीली हो गई हूँ। तो हम चुनौती के फाइनल तक पहुँच गए हैं। यह वास्तव में अच्छा था। लड़कियों मैं निश्चित रूप से इस चुनौती को कभी नहीं भूलूंगा। कैसा अजीब सा कमरा है। अरे नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोगों को इसे बंद कर दिया गया है। क्या करूं? हमें निकलने का रास्ता खोजना होगा। देखो कुछ लॉकर जैसा दिख रहा है। ये सब बंद है, हम इन तालों को नहीं तोड़ सकते। देखो यह एक तिजोरी है, चलो नजदीक से देखते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले चलो जाने कि कौन सबसे पहले अपना हाथ अंदर डालेगा, या तुम हो। ओह तुम मुझे ऐसे समय में कैसे छोड़ सकती हो, दरअसल मुझे डर लग रहा है। ठीक है मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लगता है कुछ राउंड है। अरे ये भींगा हुआ भी है, यहाँ पानी है। हो सकता है ये पानी बिल्कुल भी ना हो, कुछ और ही हो। हालांकि नहीं, मैं खुद को सर्कल में घुमा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। मैं कुछ और भी महसूस कर रही हूँ, मैं इसे किसी भी तरह से पकड़ नहीं पा रही हूँ। ये लगातार मेरे हाथ की पकड़ से निकल जा रहा है। इस तरह होता नहीं है। अरे नहीं यह क्या है, मछली थी। अपने हाथों में पकड़ कर रखना अच्छा नहीं लग रहा है, बेहतर होगा मैं इसे वापस रख दूं। मुझे मिल गई, मुझे चाबी मिल गई। चलो हम इसे खोलते हैं। तुम बहुत बहादुर हो, चलो खोलो। निश्चित रूप से
अंदर कुछ अच्छा ही मिलेगा। नहीं, लगता है मैं गलत थी, एक बम है, हम सब खत्म हो जाएंगे। कुछ सोचो। ये पॉपिट नहीं, यहाँ ये मदद नहीं करेगा। यह क्या बकवास है। ये धूल हटाने वाली ब्रश भी वैसी नहीं है। यह वायर कटर शायद काम करे। चलो कोशिश करती हूँ। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे हैं। मैंने कर लिया। अरे नहीं, यह क्या? यह पेंट? हाँ, यह अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे धोना होगा। एक सेकंड रुको, मुझे लगता है ये कुछ खाने की चीज है। वाह, यह कन्फेटी ग्लेज है, स्वादिष्ट। तुम्हें पता है, अब मुझे लगता है कि मैं भी भाग्यशाली हूँ। अरे देखो, तिजोरी चमक रही है। इस बार इसे चेक करने की बारी तुम्हारी है। मुझे लगता है मैं इसे कर सकती हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। चलो देखती हूँ। कुछ घिनौना है, मुझे छूने से डर लग रहा है। कुछ स्लाइमी सा। ठीक है, मुझे अपने को संभालने के लिए कुछ सेकंड दो। वाह, ये तो अच्छा है, लेकिन चाबी कहाँ है? मैं किसी भी तरह ढूंढ नहीं पा रही हूँ। यह रहा, मुझे लगता है मैंने खोज लिया है। ये मेरे हाथ में है। एनी, मैं आ रही हूँ। वाह, यहाँ क्या है? ये किस तरह की बकवास है? रुको, मेरे पूरे चेहरे पर पूरे ग्लिटर्स लगे हुए हैं, इसकी वजह से मुझे छींक आ रही है। अरे देखो, वहाँ कुछ और भी है। वाह, चलो बस देखती हूँ। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं इसमें प्रोफेशनल हूँ। जल्दी हमारे पास चाबी होगी। कुछ चल रहा है, मुझे डर लग रहा है। अम्मा, यानी सोचना चाहिए कि कौन या क्या हो सकता है। मैं चाबी पर ध्यान देती हूँ। नहीं, ये चाबी नहीं है, मैं अभी भी खोज रही हूँ। मुझे लग रहा है कि चाबी कहीं नजदीक में ही होनी चाहिए। यहाँ, ये मेरे हाथ में है। अरे नहीं, ये नहीं है। चलो देखती हूँ। लगता है मुझे मिल गई। हाँ, तुम खड़ी क्यों हो एनी? जल्दी करो और एक नया लॉकर खोलो। मुझे इस बार हरा मिला है। चलो देखते हैं, यह रंग तुम्हें लकी बना सकता है। वाह वाह, ये तो बिल्कुल नए नोट्स है। लॉकर वास्तव में लकी निकला। अब हम अमीर हो गए। वाह, देखो नया बॉक्स। चलो मैं अभी से खोजती हूँ। चलो देखूंगी कि यहाँ चाबी किधर है। काश मैं भी लकी निकलू। ये कुछ बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ चल रहा है अनाज की तरह। अरे ये क्या है, ये कितना गंदा है। नहीं, ये तो कीड़े हैं। मैंने बस उन्हें अपने हाथों से छुआ था, कितना गंदा। चलो देखती हूँ कि अंदर क्या है। ये केक है, लेकिन इसे तुम्हें मेरे चेहरे पर फेंकना नहीं था। तुम पूरी तरह से क्रीम में भींग गई हो। तो क्या हुआ, ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो? आखिर मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था। तुम अभी भी मुझ पर हंस रही हो, इसलिए मेरे केक को मत छुओ। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना काम है। तुम सही हो, लगता है अब नई चाबी के खोजने का समय है। तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो, आगे बढ़ो। मुझे आशा है कि मुझे कीड़े में हाथ नहीं डालने होंगे। सच कहूँ तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। यह कीड़े की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन चाबी कहाँ छिपाई जा सकती है? मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे छूना कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ताकत और जोश का एहसास हो रहा है, पर चाबी कहाँ है? कितना अच्छा है यह। अंत में मुझे चाबी मिल ही गया। ये देखो, मेरी सभी उंगलियां नीले रंग की हो गई है। कोई बात नहीं, चलो इसे खोल के देखो। काश मुझे भी तुम्हारी तरह कुछ स्वादिष्ट मिलता। देखो, अरे यह तो किसी प्रकार का बटन है, पता नहीं किस लिए है। तुम क्या सोचती हो? मैं नहीं जानती, शायद बस क्लिक करना होगा। देखो यह क्या है। अच्छा चलो मैं देखती हूँ। क्या? अरे नहीं, मुझ पर कुछ बरस रहा है। अरे नहीं, मेरे बाल, वे बर्बाद हो गए। ये एक बड़ा सा स्लाइम की तरह दिखता है। मुझे माफ करो, लेकिन मैं इसे तुमसे हटा नहीं पा रही। अरे नहीं, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। ये सब पूरे मेरे चेहरे पर, आज का दिन बहुत ही बुरा था। मैं तुम्हारी जगह पर नहीं होना चाहूंगी, पर मुझे जाना होगा। चलो देखती हूँ क्या है। चलो मैं इसमें हाथ डालती हूँ। ये किसी तरह के स्लाइम की तरह लग रहा है। अरे नहीं, ये कच्चे अंडे हैं। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे लगता है मुझे चाबी मिल गई। मुझे अभी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुझे हमेशा क्यों झेलना पड़ता है? क्या, यह क्या है? बस बहुत हो गया, बस ये सब बंद करो। मेरे साथ क्या हुआ,
मैं एक विशाल चिकन की तरह दिख रही हूँ। मुझे वास्तव में खेद है, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ती हूँ। अभी सब जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो देखती हूँ अब क्या है। चलो मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिलने वाला है। सच कहूँ तो मैं पहले से यही चाहती थी। मैं थक चुकी हूँ यह सब बकवास में खोजते खोजते। खैर इस बार क्या है? यह कुत्ते के बालों की एक गेंद की तरह दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे चाबी मिल गई। मेरे पास है। वाह, अब लॉकर खोलने का समय है। आओ देखें किस बार हमारा क्या इंतजार कर रहा है। वाह, यहाँ कितने सारे कुकीज है। मुझे अच्छा खाना खाने में कोई आपत्ति नहीं है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे ये कुरकुरे, चॉकलेट और क्रीमी फिलिंग बहुत पसंद है। प्लीज मेरे साथ शेयर करो। अच्छा ठीक है, ये लो। यह कितना अच्छा है और इसके अंदर की फीलिंग बहुत स्वादिष्ट है। यह एक और बॉक्स आ गया। ठीक कह रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मुझे बस अपने चेहरे के पंख हटाने हैं, नहीं तो मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगी। इस बार वहाँ क्या है? मुझे लगता है मैंने हर संभव चीज को छुआ है। यह छोटी गेंदों की तरह दिखता है। ये बहुत लचीले हैं, लेकिन चाबी कहाँ है? मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। क्या यह वास्तव में एक आँख है? इससे कुछ निकल रहा है। छी, यह खून है। आह, भयानक। और ये रही चाबी। भगवान का शुक्र है कि मुझे अभी से छूना नहीं पड़ेगा। जल्दी करो एमा, लॉकर पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देखो वहाँ क्या है। ये शायद रस्सी है, इसे खींचना होगा। चलो देखिए क्या होता है। रुको, मुझे लगता है कुछ हो रहा है। एमा, तुम बहुत मजेदार दिख रही हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने रस्सी क्यों खींची? मुझे खेद है, मैंने नहीं सोचा था कि इसमें इतना कुछ होगा। यह मैं तुम्हारे लिए याद रखूंगी। हम लोग अपनी बातचीत अगली बार जारी रखेंगे। अब मुझे जाना होगा। मुझे खेद है, क्या ये मुझे लग रहा है या सही में कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है? ओ नहीं, लगता है वास्तव में प्लेट में कोई जिंदा चीज है। ऐसी चीज के साथ खोजना बहुत ही भयानक है। मुझे जल्दी से चाबी चाहिए, मैं इसे समाप्त करना चाहती हूँ। ओह, यह करना मुश्किल था, बट मैंने चाबी ढूंढ लिया। वाह, चलो अब चलकर तिजोरी खोलती हूँ। चलो देखो अंदर क्या है। वाह, मुझे लगता है अंतिम लॉकर है। मुझे लगता है चाबी हमें सलाखों को खोलने और बाहर निकलने में मदद करेगी। हुरे, हम जीत गए। चलो गले लगो। बस इतना ही काफी है माँ, तुम मुझे गंदा कर दोगी। क्या फर्क पड़ता है, हम जल्दी घर आ जाएंगे और हम धो लेंगे। चलो इसे खोलने की कोशिश करती हूँ। और यह काम कर गया। चलो यहाँ से निकले।